हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी कैप्सूल हम आशा करते हैं आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फ़ॉर योर सपोर्ट एंड योर फीडबैक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आपकी सपोर्ट की वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं पसंद कर रहे हैं फ्रेंड्स आपको जो भी क्वेरीज है प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू स्टडी आप हमें कमेंट कर सकते हो मेल कर सकते हो हमारा ईमेल आईडी है स्टडी कैप्सुलिफ्टीन ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो हमारा फेसबुक पेज है डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लैश स्टडी तो फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस पर कंप्यूटर अवेयरनेस ये एक ऐसा सेक्शन है जो हर बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है जैसे कि पी ओ क्लर्क देन एस एस सी ऐसी कई एग्जाम में है रहती है जहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन ये टॉपिक रहता है ये सेक्शन रहता है तो कंप्यूटर सेक्शन में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट वन में हम कुछ बेसिक क्वेश्चन यानी कि इजी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन मतलब मैग्नेटिक डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो किस पर डिपेंड रहती है ठीक है तो हमारे ऑप्शन है ए ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस बी बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स सी डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस एंड डी ऑल ऑफ अबाउ और हमारा आंसर है डी ऑल ऑफ अबाउ मतलब जो मैग्नेटिक डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी है ये ट्रैक्स पर इंच ऑफ सर्फेस बीट्स पर इंच पैक इन डिस्क सरफेस ये तीनों पर डिपेंड रहती है तो हमारा अगला क्वेश्चन है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय मतलब प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी है हम किस से मेजर करते हैं हमारे ऑप्शन है ए डॉट पर स्क्वायर इंच बी डॉट पर इंच सी डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम डी ऑल ऑफ द अब और हमारा आंसर है बी डॉट्स पर इंच मतलब जो आउटपुट क्वालिटी रहती है प्रिंटर की वो मेज़र किया जाता है डॉट्स पर इंच में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर मेमरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज़ नोन एज मतलब जो फिजिकल कनेक्शन रहता है बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर में उसे क्या कहते हैं तो हमारे ऑप्शन हैं ए पाथ बी एड्रेस बस सी रूट एंड डी ऑल ऑफ द बॉ और हमारा आंसर है बी एड्रेस बस मतलब जो फिजिकल कनेक्शन रहता है बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड अदर पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर उसे कहते हैं एड्रेस बस हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर रहता है उसका क्या फंक्शन होता है हमारे है हैं एनहांस द कैपेबिलिटीज ऑफ द हार्डवेयर मशीन बी इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबाव और हमारा आंसर है ए इनहस द कैपेबिलिटीज ऑफ द हार्डवेयर मशीन सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर जो रहता है वो एनहांस करता है हार्डवेयर मशीन की कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है. देखते हैं द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सिक्वेंस इज कॉल्ड एज मतलब जो लॉजिकल सिक्वेंस में डेटा अरेंज किया हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं ठीक है ठीके? हमारे ऑप्शन हैं ए सॉर्टिंग बी क्लासीफाइंग सी रिप्रोड्यूसिंग एंड डी समराइजिंग और हमारा आंसर है ए सॉर्टिंग जो अरेंजमेंट रहता है डेटा इन लॉजिकल सिक्वेंस में उसे सॉर्टिंग कहा जाता है अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रोग्राम डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज़ नोन एज मतलब जो प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क के लिए उसे क्या कहा जाता है हमारे ऑप्शन है ए सॉफ्टवेयर सिस्टम बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सी यूटिलिटी प्रोग्राम एंड डी ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारा आंसर है बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम डिज़ाइन होता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क के लिए उसे कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे सी कहते हैं कंसिस्ट ऑफ हमारे ऑप्शन दिए गए हुए हैं ए इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग बी कंट्रोल यूनिट प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज सी कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज डी कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग एंड प्राइमरी स्टोरेज और हमारा आंसर है सी कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज मतलब जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है वो कंसिस्ट करता है कंट्रोल यूनिट को अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को एंड प्राइमरी स्टोरेज को ध्यान में रखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन देखते हैं ई प्रॉम कैन बी यूज फॉर फॉर जो ई e प्रॉम रहता है वो किसके लिए यूज होता है हमारा ऑप्शन है ए इरेजिंग द कंटेंट ऑफ रोम बी रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट्स ऑफ रोम सी इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ रोम एंड डी डुप्लीकेटिंग रोम और हमारा आंसर है सी इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ रोम जो ई e प्रॉम रहता है उसका यूज़ इरेजिंग एंड रिकन्स्ट्रक्टिंग जो कंटेंट रहता है रोम को उसका इरेजिंग एंड रिकन्स्ट्रक्टिंग के लिए होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आफ्टर कॉपिंग अ कंटेंट हाउ मेनी टाइम्स कैन यू पेस्ट मतलब अगर कोई कंटेंट हम कॉपी करते हैं तो हमें हम कितने टाइम्स उसे पेस्ट कर सकते हैं ठीक है ठीके? हमारे ऑप्शनस है ए वन बी सिक्सटीन सी थर्टी टू एंड डी मेनी और हमारा आंसर है डी मेन मतलब जो कंटेंट किया हुआ कॉपी किया हुआ जो कंटेंट रहता है उसे हम मेनी टाइम्स पेस्ट कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेब कैम इज ऑब्लिक एन जो वेब कैम रहता है वो क्या होता है ठीक है तो उसके लिए ऑप्शन है ए इनपुट यूनिट डिवाइस बी आउटपुट यूनिट डिवाइस सी प्रोसेसिंग डिवाइस डी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस और हमारा आंसर है ए इनपुट यूनिट डिवाइस जो वेब कैम रहता है इज ऑन इनपुट यूनिट डिवाइस ये इनपुट यूनिट डिवाइस है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस मतलब दिए गए ऑप्शन में से सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौन सा है हमारे ऑब्जेक्टिव ऑप्शन है ए कीबोर्ड बी डिस्क सी एल यू जो कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है एंड डी ऑल ऑफ द अबाव और हमारा आंसर है बी डिस्क डिस्क ये जो है ये सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है अगला क्वेश्चन ए एस सी डबल आई स्टैंड फॉर मतलब ए एस सी डबल आई ये इसका फुल फॉर्म क्या है हमारे ऑप्शन दिए गए हुए हैं ए अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज बी अमेरिकन स्टैंडर्ड केस फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटरचेंज सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन और हमारा आंसर है सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश मतलब जो वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं तो हमारे से ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर सी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो वर्ड प्रोसेसिंग रहता है स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग ये सारे एग्जाम्पल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मोस्ट कॉमन टाइप कौन से सिस्टम का सिस्टम uh, सॉफ्टवेयर का मोस्ट कॉमन टाइप है ठीक है फ्रेंड्स तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं ए सिस्टम बी कम्युनिकेशन सी एप्लीकेशन डी वर्ड प्रोसेसिंग और हमारा आंसर है ए सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोविंग इज़ ट्रू अबाउट फायर वॉल मतलब फायर के बारे में जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से क्या ट्रू है हमारे ऑप्शन से ए फॉलोज अ सेट ऑफ रूल्स बी कैन बी आईदर अ हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर डिवाइस सी फिल्टर्स नेटवर्क ट्रॉफिक एंड डी ऑल ऑफ द अबाव और इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबाव इसमें जो तीनों ऑप्शन दिए गए हुए हैं ये फायरऑल के बारे में ट्रू है देन अगला क्वेश्चन है वॉट इज ई कॉमर्स ई कॉमर्स यानी कि क्या होता है और हमारे ऑप्शन है बाइंग एंड सेलिंग कंप्यूटर प्रोडक्ट बी बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नॉट फाउंड इन stores. सी बाइंग एंड सेलिंग इंटरनेशनल गुड्स डी बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर the इंटरनेट और हमारा आंसर है डी बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर the इंटरनेट E-commerce मतलब जो प्रोडक्ट्स रहते, रहते हैं एंड सर्विसेज रहती है इंटरनेट पर उसे हम बाय एंड सेल कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉट इज़ द कॉमनली यूज यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मतलब जो स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन रहता है उसका यूनिट उसे मेज़र करने के लिए जो यूज़ किया जाता है यूनिट वो कौन सा है ठीक है हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं मेगा हर्ट्स बी कैरेक्टर पर सेकेंड सी नैनो सेकेंड एंड डी बीट्स पर सेकेंड और हमारा आंसर है डी बीट्स पर सेकेंड जो यूनिट रहता है फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन वो रहता है बीट पर सेकेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं अ वेबसाइट्स मेन पेज इज़ कॉल्ड वेबसाइट का जो मेन पेज है उसे क्या कहा जाता है ठीक है हमारे ऑप्शन हैं ए ब्राउजर पेज बी सर्च पेज सी होम पेज एंड डी बुकमार्क और हमारा आंसर है सी होम पेज ठीक है मतलब जो वेबसाइट का मेन पेज है उसे होम पेज कहा जाता है अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट कट कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए हम कौन सा मेन्यू सिलेक्ट करते हैं ठीक है ठीके? हमारे ऑप्शन है ए फाइल बी टूल्स सी स्पेशल डी एडिट और हमारा आंसर है डी एडिट मतलब डी एडिट जो है ये ये मेन्यू हम सिलेक्ट करते हैं कट कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड मतलब ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो एरर फाइंडिंग करती है सॉफ्टवेयर कोड में उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं ए कंपाइलिंग बी टेस्टिंग C. Running and D. Debugging और हमारा आंसर है B. Testing Testing is the process of finding errors in software code. Then next question देखते हैं To move to the beginning of line of text press the dash key. Okay मतलब जो beginning of line text है उसको move करने के लिए press the which key That means कौन सी की use की जाती है तो हमारे ऑप्शन है ए होम बी स्पेस सी पेज अप एंड डी एंटर और हमारा आंसर है ए होम टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द होम की देन नेक्स्ट क्वेश्चन वैन सेंडिंग एन ईमेल द डैश लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज मतलब जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो ऐसी कौन सी लाइन है जो मैसेज का जो कंटेंट है वो डिस्क्राइब करती है ठीक है तो उसके लिए ऑप्शन दिए हुए है ए टू बी सब्जेक्ट सी कंटेंट्स एंड डी सी सी और हमारा आंसर है बी सब्जेक्ट लाइन ओके जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो वो सब्जेक्ट लाइन होती है जो डिस्क्राइब करती है कंटेंट ऑफ द मैसेज को देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स ओके मतलब ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो कैरिंग uh, आउट करती है कमांड्स को उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं ए फेचिंग बी स्टोरिंग सी एग्जीक्यूटिंग एंड डी डिकोडिंग और अपना आंसर है सी एग्जीक्यूटिंग एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स मतलब एग्जीक्यूटिंग ये ऐसी प्रोसेस है जो कमांड्स को कैरिंग आउट करती है देन अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रोसेसिंग इनवॉल्व प्रोसेसिंग में क्या इन्वॉल्व रहता है हमारे ऑप्शन है ए इनपुट इनपुटिंग डेटा इंटू अ कम्प्यूटर सिस्टम बी ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इंटू आउटपुट सी डिस्प्लेइंग आउटपुट इन अजफ़ुल मैनर एंड डी प्रोवाइडिंग रिलेवेंट आंसर और हमारा आंसर है बी ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व रहता है ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करेक्टिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज प्रोग्राम में हम जो एरर्स करेक्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं ए बगिंग बी मॉडिफाइंग सी डी बिगिंग डी बगिंग एंड डी Rectifying तो हमारा आंसर है सी डी मतलब जो प्रोग्राम में एरर हम करेक्ट करते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है डी ओके फ्रेंड्स सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो तो देखिए फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो में हमने कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट वन के बारे में डिस्कस किया है हमारे जो भी अपकमिंग वीडियोस रहेंगे जो कि कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट टू पार्ट थ्री रहेंगे इसमें हम कंप्यूटर अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप वो ज़रूर देखिए आपको जो भी क्वेरीज़ है प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू स्टडी तो प्लीज़ आप हमें कॉमेंट कीजिए मेल कीजिए हमारा ई मेल है स्टडी एंड आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लैश कैप्सूल सो थैंक यू फ्रेंड्स